हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं बिहार एग्रीकल्चर बैमती एटीएम बीटीएम अकाउंटेंट एंड स्टेनोग्राफर का फॉर्म दोस्तों किस प्रकार से आप सभी को फिलअप करना है, जो कि फ्रेंड्स 1041 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो को किस प्रकार से आप सभी को फिलअप करना है, वीडियो पर बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। दोस्तों इस पेज का लिंक आप सभी को हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फ्रेंड्स लिंक पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट इस पेज पे आ जाइएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया गया है। फ्रेंड्स आप डेमोग्राफी प्लस ओटीपी के हिसाब से कर सकते हैं, डेमोग्राफी बायोमेट्रिक के हिसाब से कर सकते हैं, और फ्रेंड्स आयरिस मतलब आँख के रेटिना के हिसाब से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स बिना आधार ऑथेंटिकेशन के ये फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को सबसे बेस्ट और आसान तरीका रहेगा डोमोग्राफी ओटीपी, क्योंकि फ्रेंड्स बायोमेट्रिक और आयरिस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आधार नंबर और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नेम एज आधार ऑन जो आपके आधार कार्ड, तो यहाँ पे आप सभी को आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डाल के यहाँ पे इंटर नेम जो आपके आधार कार्ड में नाम हो फ्रेंड्स वो यहाँ पे डाल देना है। फिर फ्रेंड्स ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आपके फ़ोन नंबर पे फ्रेंड्स एक ओटीपी आया हुआ होगा, वो ओटीपी को यहाँ पे फ्रेंड्स फिलअप कर देना। ओटीपी यहाँ पे डाल देने के बाद फ्रेंड्स वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। वैलिडेट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी डाल देने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा आप सबके सामने। यहाँ पे लेवल है, पोस्ट अप्लाइड है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लेवल चूज करना है कौन से लेवल पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे से लेवल देख लेना है, देख सकते हैं यहाँ पे L1 मतलब जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय दोनों पे दिया गया। जिला स्तर पे चूज करने के बाद यहाँ पे आपको सिर्फ एक ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पोस्ट अप्लाई करके दिखा देते हैं कौन सा। यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे अंचलित लिपिक राज्य योजना अंतर्गत जिला स्तर ये करना है। अगर फिर प्रखंड 2 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक सहायक तकनीकी और लेखपाल का ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चूज कर लेना आपको जो फॉर्म फिलअप करना है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे नाम डाल देना कैंडिडेट का जो नेम हो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से फ्रेंड देख के यहाँ पे नेम को डाल देना है। फिर आप सभी को यहाँ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से फादर्स नेम डाल देना है। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है नीचे वाले ऑप्शन में आ जाना है फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आप सभी को अपना डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से हिसाब कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेना, पहले ईयर फिर मंथ फिर यहाँ से डेट चूज कर लेना है। फिर डोमिसियल ऑफ बिहार, फिर यहाँ देख सकते हैं डोमिसियल ऑफ बिहार है, तो यहाँ पे आप बिहार के निवासी है तो यस करना है, नहीं करना तो फ्रेंड्स यहाँ पे नो कर देना है। फ्रेंड्स फिलहाल ये यहाँ पे बिहारी को यस ही करना है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रीडम फाइटर ग्रैंड डॉटर सन है कोई भी तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, नहीं तो उस ऑप्शन को भी छोड़ देना है। फिर कह रहा फ्रेंड्स फिजिकल हैंडीकैप अगर है तो टिक करना है, नहीं है तो छोड़ देना है इस ऑप्शन वाले को भी। फिर यहाँ नीचे जेंडर वाला ऑप्शन मेल फीमेल चूज कर लेना है जो भी है। फिर नीचे से कैटेगरी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको वो कैटेगरी यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर पासवर्ड एक जनरेट कर लेना है कुछ इस प्रकार से पासवर्ड। फिर फ्रेंड्स कैप्चा डाल के यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप सबके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया रहेगा, आप अगर इसको प्रिंट भी करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। फिर क्लिक हियर कंटिन्यू पे करके फॉर्म को आगे फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सब इस फॉर्म को फ्रेंड्स प्रिंट पहले कर लेना है आईडी पासवर्ड, या कॉपी भी कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे प्रिंट कर लीजिएगा। फिर यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। लॉगिन पे यहाँ पे आपको जो यूज़र आईडी था वो डाल देना है, फिर आपका जो यहाँ पे पासवर्ड है यूज़र आईडी डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डाल देने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। लॉगिन कर लेने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा फ्रेंड, यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम टू आपका नाम रहेगा फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन पर आपका ग्रीन टिक हो गया। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर्सनल डिटेल जो आपको अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पर डालना है, तो फ्रेंड्स पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पे चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका सारा जो आपने रजिस्ट्रेशन करने डाला रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था आपका सारा चीज़ यहाँ पे दिखाई शो करेगा। सिर्फ यहाँ पे आपको अपना मदर्स नेम फिल करना है, तो यहाँ पे मदर्स नेम डाल देते हैं।
मदर्स नेम डाल देने के बाद यहाँ पे फिर नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे आपको अपना सारा एड्रेस डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको पिन कोड डाल के सेम एज एव पे क्लिक कर देना है। आपका फिर यहाँ पे जो आपने यहाँ पे फिल किया ऊपर पे सेम नीचे आपका एड्रेस आ जाएगा, देख सकते हैं। सेम एज एव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सारा एड्रेस नीचे आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से होम डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला जिस जिला में आप रहते हैं, जो आपका जिला है वो चूज करने के बाद आपका होम ब्लॉक क्या है आपको वो यहाँ से सारा ऑप्शन दिया रहेगा, आपको चूज कर लेना है। फिर आपका चॉइस डिस्ट्रिक्ट कौन से ज़िले में आपको जॉब करना है, तो यहाँ पे आपको वो चूज़ कर लेना है, दो दो यहाँ पे चूज़ कर लेना है, और जो आपके लिए अच्छा हो या जो आपके लिए बेटर हो। तो फिर चूज़ कर लेने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आई हियर बाय डिक्लेयर वाले पे क्लिक करके सेव कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली हो गया। फिर ओके पे क्लिक करने के बाद फॉर्म को आगे बढ़ जाना है लेके। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल आप सभी को फिल करना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड आपका जो बोर्ड है वो डालना है, फिर कौन सा स्टेट है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशलाइजेशन मैट्रिक में नहीं होता है तो पासिंग ईयर डालना है आपको। फिर पासिंग ईयर डालने के बाद आपको यहाँ पे कितने आपको फुल मार्क्स जो है जैसे 500 या जो भी आपका होगा वो यहाँ पे डाल देना है। फिर कितना नंबर आपका आया है वो डाल देने के बाद यहाँ पे आपका परसेंटेज खुद म खुद आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसी प्रकार आपको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उसी प्रकार से आपको यहाँ पे सारा चीज़ फिल करना है। तो फिल कर लेने के बाद यहाँ पे फिर नीचे वाले सेव वाले ऑप्शन पे आ जाना है और फिर यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेव कर लेने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड एडुकेशन डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब दूसरा ऑप्शन फ्रेंड्स एक्सपीरियंस का है। आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस फिल कर देना है। यहाँ पे एक्सपीरियंस फिल कर लेने के बाद पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पर डालना है, फिर डेजिग्नेशन डालना है, कब से कितना कितना से कितना दिन तक आपका एक्सपीरियंस है वो डालना है, नेचुरल जॉब डालना है। ये सब कर लेने के बाद इसको भी फ्रेंड सेव कर लेना है। तो यहाँ पे फिर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे चलिए इसको भी फ्रेंड सेव भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सपीरियंस डिटेल सेव सक्सेसफुली, फिर ओके पे क्लिक करना है। और फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर फ्रेंड्स आपका 50 KB फ़ोटो फ्रेंड्स 50 KB के अंदर का होना चाहिए और सिग्नेचर 20 KB के अंदर का होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे से फ़ोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड कर लेना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर हैज़ बिन अपडेट सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स फिर यहाँ पे देख सकते हैं बैक टू होम का ऑप्शन है, बैक टू होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आप आ जाइएगा इस पेज पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 में लेवल आपका फिनलाइज एप्लीकेशन है, तो फिनलाइज एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फिनलाइज ऑप्शन वाले पर क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देख सकते हैं आई हियर बाय डिक्लेरेशन है, इसको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आर यू श्योर वांट टू सबमिट, तो सबमिट पर क्लिक कर देना है। प्लीज़ अपलोड मैट्रिक सर्टिफिकेट। अब आपको यहाँ पे से आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं फ्रेंड्स 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, फिर अपलोड इंटरमीडिएट मार्कशीट करना है, ग्रेजुएशन मार्कशीट करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना है, अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट करना है, अगर आप EWS हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करना, कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपको फ्रेंड्स अपलोड करना होगा, अपलोड अगर हैंडीकैप हैं तो आपको हैंडीकैप का भी PDF अपलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स सारा PDF आपको बना लेना है, 400 KB के रहना चाहिए, 400 KB का रहना चाहिए फ्रेंड्स। अब ब्लैक एंड वाइट में आपको इसको अपलोड करना है। तो दोस्तों आप PDF किस प्रकार से जनरेट कर सकते हैं चलिए फ्रेंड्स वो भी बता देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इस पेज का भी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको PDF बनाने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स इस पेज पे आ जाना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स रिसाइज PDF साइज इन KB बेस्ट PDF रिसाइजर है। तो फ्रेंड्स इसी पर आ जाना है आपको। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेलेक्ट PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जितना भी बड़ा बड़ा या छोटा रहेगा फ्रेंड्स PDF उसको साइज़ में लाने के लिए आपको अपना PDF को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने अपने एक PDF को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कम 50% जो, तो आप इसको घटा बढ़ा के
ऐसे देख सकते हैं दोस्तों, घटा बढ़ा भी सकते हैं। जितना आपको अगर बड़ा करना है तो बड़ा करना है, छोटा करना है तो छोटा करना है, जो भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे फिर देख सकते हैं 221 के भी का था तो ये 61.76 के भी का आ गया। तो फ्रेंड्स फिर वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे से आपको घटाने बढ़ाने के लिए कंप्रेस करना होगा, फिर आप यहाँ से अपना PDF डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। PDF डाउनलोड कर लेने के बाद फिर आपको आ जाना है उसी पेज पर जहाँ पर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आपको सारा PDF अपलोड कर लेना है। अपलोड कर लेने के बाद दोस्तों सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद फ्रेंड्स आ जाना है आपको फिर बैक टू होम करके फ्रेंड्स आपको इस पेज पे आ जाना है। इस पेज पे आप फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म को पे क्लिक कीजिएगा। फिर से आपको श्योर सबमिट के लिए ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, आपको श्योर सबमिट कर लेना है। फ्रेंड्स इस फॉर्म का फ़ी एकदम बिल्कुल ज़ीरो है, इसमें आपका आप सभी को कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।